हत्या और अपहरण के आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक कांकेर दिव्यांग पटेल के द्वारा गंभीर अपराध एवं बाल अपराध की त्वरित कार्यवाही करने के विशेष निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर और विभागीय अधिकारी पुलिस मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में चौकी दुधावा थाना नरहरपुर के पुलिस टीम और साइबर सेल द्वारा हत्या अपहरण के गंभीर प्रकरण में आरोपी अजय मरकाम शिव प्रसाद मरकाम उम्र 22 वर्ष निवासी बिरगुड़ी थाना सिहावा जिला धमतरी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 3/6/2023 के प्रातः पुलिस चौकी दुधावा में बीवापारा से ग्रामीण द्वारा पुलिस चौकी दुधावा में आकर सूचना दी। प्रताप शौरी और उसकी पत्नी के ऊपर रात्रि में उसके घर में घुसकर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया, उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले गया। सूचना पर पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में उक्त घटना की जानकारी दी। वहीं मौके पर एसडीओपी कांकेर व सीन ऑफ क्राइम कांकेर टीम के साथ निरीक्षण किया व आवश्यक साक्ष्य बरामद किए। प्रार्थियों और गवाहों के कथन दर्ज कर फरार आरोपी अजय मरकाम ने व नाबालिग बालिका की पातासाजी हेतु दो टीम रवाना की गई, जो नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद किया व आरोपी अजय मरकाम को साइबर सेल कांकेर से लगातार संपर्क कर लोकेशन लेकर गिरफ्तार किया। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से अपने संवाददाता के साथ। गिरफ्तार अजय मरकाम को गिरफ्तार किया गया, तब उसने अपना गुनाह कबूल किया कि हाँ उसने ही ये प्रेम भावना और द्वेषवश इस प्रकार की वो घटना कारित किया है। तो आरोपी को अभी पुलिस हिरासत में लिया गया है और उसके बाद जेल भेजा जाएगा। माइंड में था और उसी वजह से उसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया हुआ है। तो उसमें लड़की का एज सच कोई भूमिका नहीं है, लड़की नाबालिग है और नॉर्मल। तो उसको उठा के ले गया, कैसे ले गया, अकेले ले गया, उसके साथ दो लोग और? नहीं, लड़की को वो अपने साथ ले गया था आरोपी, और पहले भी वो लड़की को अपने साथ ले गया था जब उसको बरामद किया गया था और 354 का मामला कायम किया गया था। इस बार भी वो लड़की को अपने साथ ले गया, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ वो प्रेम प्रकरण टाइप का वो एंगल है इसमें, और इसी वजह से पूरी घटनाक्रम को कायम किया गया है। मतलब ये जानना चाह रहा था सर कि लड़की स्वेच्छा से चली गई या उसको बलपूर्वक ले गया? कहीं ना कहीं दोनों की मिडल वाली चीज़ें थी। ठीक है, 100% एक चीज़ नहीं बोल सकते, 100% दूसरी चीज़ नहीं बोल सकते। एक बात क्या थी सर, उसको किसी जंगल में उसको बंधक बना के रखा था रात, फिर वो वहाँ से छूट गए? नहीं, वो उनको बरामद किया गया था, पुलिस के द्वारा ही लड़की को बरामद किया गया है, साथ में आरोपी के साथ में बरामद किया गया है। इसमें कोई एक लड़की है जो उसको बाइक से लेने आई थी, भट्टी से लेके? अलग अलग बिंदुओं पे अभी विवेचना जारी है। ठीक है, अभी जो मुख्य आरोपी था उसको हम लोग अभी पकड़ लिए हैं, और हमारा मेन फोकस था कि जो मुख्य आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जैसे कल भी शाम को आप कुछ आप में से बताए थे, तो मैं बोला था कि नहीं, हम ट्राई करके 24 घंटे में 90% उसको पकड़ लेंगे। तो हमारे DSP साहब और चौकी प्रभारी साहब की मेहनत की वजह से हम ट्राई करके 24 घंटे में 90% उसको पकड़ लेंगे। तो हमारे DSP साहब और चौकी प्रभारी साहब की मेहनत की वजह से वो 24 घंटे के ऊपर 24 घंटे के अंदर ही ये पूरे मामले को सुलझा लिया गया, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मामला है। और अगर ज़्यादा दूर भाग जाते या बस से या ट्रेन से कहीं और भाग जाते या जंगल में भी थोड़ा डीप हो जाते तो मिलना काफ़ी मुश्किल था। और लगभग ये पूरे दिन से, सुबह से जब घटना हुई तभी से ये मेहनत कर रहे थे, जिसका नतीजा है कि एक बड़ी घटना को 24 घंटे के भीतर सुलझाया गया। इसे सर आप बोल रहे हैं कि इसमें मुख्य आरोपी पकड़ा गया, इसके अलावा और भी आरोपी के अभी विवेचना जारी है। अगर कोई और भी ऐसा साक्ष्य मिलता है कि जिसमें कोई अगर उसको हेल्प किया हो या कुछ किया हो तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक तो जितना आरोपी बताया है कि वो खुद उसके घर गया था, क्योंकि वो पहले से जानता है उसका घर क्या है और पहले से उसके साथ वो संबंध प्रेम संबंध टाइप से रहा है। पहले से उसको एक बार पहले भी वो भगा के लेके गया था, क्योंकि लड़की नाबालिग है तो नाबालिग लड़की को भगा के ले जाना 363 के उसमें आता है। सर नशे वगैरह का नहीं करते जो आरोपी? नहीं, जब घटना हुई तब ऐसा नशा नहीं। इसे कहाँ से बरामद किया सर, एग्जैक्ट लोकेशन? इसको जंगल एरिया से बरामद किए है, जो हमारे ये अपना धमतरी और ये एरिया पड़ता है अपना कांकेर जिला का बॉर्डर एरिया। क्या
देखा लड़की के बारे में थी? नहीं, लड़की मैं आपको ये बता दिया कि लड़की की कोई भूमिका नहीं थी और लड़की नाबालिग है, तो नाबालिग का वैसे लड़की का बयान हुआ लड़की का बयान होगा लेकिन लड़की नाबालिग है, ठीक है, तो नाबालिग की भूमिका नहीं मानी जाती है, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं,